सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, दुनिया में बहुत से अलग अलग तरह के खेल मौजूद हैं जिन्हें कि लोगों को एंटरटेन और फिजिकली एक्टिव रहने के लिए बनाया गया है, और इन खेलों में हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद है। लेकिन भारत और उसके आसपास के देशों में खेला जाने वाला एक ऐसा खेल भी मौजूद है जो कि हमें इतिहास की याद दिलाता है, और आज भी इसे खेलने और देखने वालों की संख्या करोड़ों में है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 4000 साल पहले से चली आ रही खेल कबड्डी के बारे में, जो कि बीते कुछ सालों में प्रो कबड्डी लीग की वजह से प्रगति की नई राह पर है। प्रो कबड्डी लीग बेसिकली 2014 में आईपीएल की सफलता को देखते हुए शुरू की गई थी, और फिर शुरू होने के बाद से इस खेल ने न केवल टीवी पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया बल्कि क्राउड को स्टेडियम तक ले जाने में भी कामयाब रहा। और दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहें तो यह लीग कबड्डी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि 2014 में जब यह शुरू की गई थी तब इस लीग का पहला सीजन 435 मिलियन व्यूअर्स के द्वारा देखा गया, जो कि आईपीएल के बाद सबसे ज्यादा था। तो चलिए दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग की स्टोरी को तो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम कबड्डी के हिस्ट्री को भी थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, कबड्डी की शुरुआत आज से लगभग 4000 साल पहले की बताई जाती है, और कहते हैं कि इसकी शुरुआत भारत के तमिल क्षेत्र में हुई थी जो कि आज का तमिलनाडु है, और फिर यहाँ से शुरू होने के बाद से यह भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में पॉपुलर हुआ। और दोस्तों, कबड्डी शब्द बेसिकली तमिल के काईपीडी शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है हाथ पकड़ना। वैसे तो कबड्डी में भारत को महारत हासिल है, लेकिन अगर कोई देश भारत को इस खेल में टक्कर देता है तो वो है ईरान। साथ ही ईरान भी अक्सर दावा करता है कि कबड्डी की शुरुआत उन्हीं के देश से हुई थी, लेकिन अगर सबूतों को देखें तो वह भारत के पक्ष में ही आती है। और दोस्तों, कबड्डी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कबड्डी के अलावा लोग इसे चेदू गुदू के नाम से भी जानते हैं। साथ ही बांग्लादेश में हदूदू, मालदीव्स में भौतिक, वेस्टर्न इंडिया में हुतुतू और साउथ इंडिया में चाड़ूकुड़ू की तरह ही और भी कई सारे। और दोस्तों, कबड्डी का खेल हजारों सालों तक कुछ ही एरिया में सीमित था, लेकिन इसे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला 1936 के समर ओलंपिक्स में, जब भारत ने इस खेल को पूरी दुनिया को दिखाया, और फिर 1938 में कबड्डी को इंडियन नेशनल गेम्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोग इस खेल के बारे में जानने लगे। और कबड्डी जब प्रोफेशनली सफल होता हुआ दिखाई दे रहा था तब 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की शुरुआत की गई, और इसकी स्थापना के साथ ही इस फेडरेशन ने गेम के कुछ नियम बनाए जो कि आज तक बरकरार है। और फिर पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में हुई, और उस खेल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की थी। इसके अलावा 1990 में कबड्डी को पहली बार एशियाई गेम्स में भी शामिल किया गया, जहां पर भारत समेत 7 देशों ने हिस्सा लिया था। और फिर आगे चलकर जब इसकी पॉपुलैरिटी में एक बार फिर से कमी दिखाई दे रही थी, तब कबड्डी को चाहने वालों ने 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की, जो कि आईपीएल से काफी हद तक मैच करता है। और दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग में भी फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल यूज किया जाता है, साथ ही इसका पहला सीजन 2014 में 8 टीमों के साथ स्टार्ट हुआ था। हालांकि शुरुआत में लोगों को इस टूर्नामेंट से कोई खास उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने इसे सफल बनाने की जी तोड़ मेहनत की, और रिजल्ट यह सामने आया कि 2014 में आईपीएल के बाद से यह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लीग बना, और कबड्डी लीग का पहला सीजन 435 मिलियन व्यूअर्स के द्वारा देखा गया, जिससे यह तो साबित हो गया कि कबड्डी का ये प्रारूप इस खेल को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। और समय बीतने के साथ ही इसकी लोकप्रियता को देखकर इस लीग में कई सारी नई टीमें भी जोड़ी गई, साथ ही इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए इसके फॉर्मेट में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया। और दोस्तों, अभी तक की अगर फाइनल रिजल्ट्स को देखा जाए तो 2014 में जयपुर पिंक पैंथर्स, 2015 में यू मुंबा, और फिर उसके बाद जनवरी 2016, जून 2016 और 2017 लगातार 3 बार पटना पायरेट्स ने बाजी मारी, और एक बार फिर से 2018 का प्रो कबड्डी लीग का 6ठा सीजन 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। और दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप भी प्रो कबड्डी लीग देखना पसंद करते हैं, और अगर देखते हैं तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। उम्मीद करते हैं कि कबड्डी की हिस्ट्री और प्रो कबड्डी लीग की यह जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी।
आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।